नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कुछ लोग अपनी नौकरी के प्रति बहुत वफादार होते हैं, किसी के लिए वो नरम नहीं पड़ते, चाहे ड्यूटी के बीच कोई रिश्तेदार ही क्यों ना आ जाए। अपनी नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते, बल्कि जैसा सबके साथ वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है ईसाई, जो फिलहाल काफी चर्चा में बने हुए हैं। इन्होंने अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी दिखाकर वो काम किया, जिसके कारण उन्हें वाहवाही मिल रही है। दरअसल बात चल रही है पाकिस्तान के सादिकाबाद के ईसाई पद पर कार्यरत इम्तियाज अब्बास की, जो ड्यूटी पर अपने काम के अलावा किसी और बात पर ध्यान नहीं देते। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि अब्बास उस समय ड्यूटी पर थे और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी में उन्होंने देखा कि उनका बेटा रहीम यार खान बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके बाद उन्होंने वही किया जो वो किसी के भी साथ करते, उन्होंने उसे पास बुलाया और उसका चालान काट दिया। आपको बता दें, अब्बास ने अपने बेटे के खिलाफ 200 रुपए का चालान काटा, जिसका उनके बेटे ने भुगतान भी किया। अब्बास बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर वे चर्चा में आए हैं और अपने बेटे को दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत भी दी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी है और आदेश का पालन न करने पर उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी को देखते हुए अब्बास ने ऐसा किया।